अब किसने बोला का भैया बोला करी चौकट। प्रकृति कभी कभार यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसके कितने रूप हैं। आगे जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर या तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे या फिर ईश्वर की महिमा का गुणगान करेंगे। यह खबर है बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र में लगने वाले ग्राम चौड़ेरा की, जहां एक कौवा एक 2 वर्षीय बच्ची का नाम लेकर भाग जाता है। इसका पता किसी को भी नहीं था, लेकिन जब घर वाले बार बार यह नाम किसी अजीब सी आवाज में सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। फिर उन्होंने इसकी खोज करना भी शुरू कर दिया कि आखिर कौन है जो उनकी बेटी का नाम लेकर छुप जाता है। तो देखिए हमारी विशेष अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय ग्राउंड रिपोर्ट। मन में आश्चर्यचकित बात को लेकर हम डिवाई से सटे शिकारपुर के इस प्रसिद्ध गांव में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हमारी कोशिश थी कि वह कौवा हमें एक बार जरूर दिखाई दे, लेकिन लगभग 2 घंटे गांव में रुकने के बाद भी वह दोबारा नहीं आया। हमारे पहुंचने से पहले वह कौवा एवा एवा चिल्लाकर भाग चुका था। बाद में जो बात हमें पता चली वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि छोटी बच्ची भी कौवा के लिए जो करती है उसे देखने के लिए। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राहुल लोधी इस समय उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हूँ, और बुलंदशहर की ये जो गांव है, बुलंदशहर का ये जो गांव है, इस गांव का नाम है चौड़ेरा। कभी कभी प्रकृति ऐसा खेल करती है कि उस खेल में सभी भौचक्के रह जाते हैं, और साथ ही प्रकृति के इस खेल को जान नहीं पाते आखिरकार होता क्या है। ऐसी ही एक घटना इस घर, जिस घर में मैं हूँ, इस घर से रिलेटिव है, और वो घटना इतनी अचंभित करने वाली है कि यदि आप भी इस घटना के बारे में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं वाकई में ये बड़ी जो अद्भुत अकल्पनीय और अविश्वसनीय कहानियां होती हैं उसमें से एक है। तो जिस गांव में हम खड़े हैं यहां पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी भी आती हैं, साथ ही जो स्टार क्रिकेटर हैं भारत के, क्रिकेटर रिंकू सिंह, वो भी इस गांव में आते हैं। उनके गांव में आने का कारण है क्योंकि यहां पर एक माता जी का मंदिर है, चौड़ेरा वाली माता मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। और आज हम जिस वजह से खड़े हैं वो वजह है कि एक कौवा है, और कौवा जो है एक बच्ची है 2 वर्ष की, उसका नाम ले लेकर पुकारता है। और बाकी जो कहानी है वो इनके माता पिता ही बताएंगे आखिरकार क्या ऐसा हुआ है कि जो कौवा है वो बार बार आकर घर में उस बच्ची का नाम ही पुकारता है। तो आइए चलते हैं और उनके माता पिता से जानते हैं, उस बच्ची के माता पिता से, कि आखिरकार माजरा क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि एक कौवा है जो बार बार इस घर में आता है और एवा एवा का नाम से चिल्लाता है। एक वीडियो है, वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि किस प्रकार से वो कौवा चिल्लाता है। और जो एवा है, जो 2 वर्ष की बच्ची है, वो अपनी अम्मा की गोद में बैठी हुई है। ये वो बच्ची है, ये देखिए कितनी शांत प्रिय बच्ची है। और इसके बारे में भी जानेंगे कि जब वो एवा नाम चिल्लाता है कौवा, तो इसकी प्रतिक्रिया क्या रहती है। तो उसके पिताजी हमारे साथ हैं, इस बेटी के पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहेश कुमार है। क्या घटना होती है आपके घर में? घटना कभी कभी कौवा जब आता है, कभी डेली का से सिस्टम है उसका आना का वैसे, तो जब आता है तो जब कौवे की आवाज आती है तो बेटी एकदम
उठना बैठना शुरू कर देती है, फिर भागी तब देखती है। उसकी सेफ्टी के लिए हमने पर्दे भी लगाए चारों साइड से। मैं कौवा कहाना और बार बार एवा एवा के लाना, पहले तो हम सस्पेंस में रहे थोड़ा सा, बताना कौन है कौन नहीं है। हम एक महीना ऐसी बीता हमारा हम लोगों का, क्योंकि बताना कौन सा पक्षी है दिखाई देता नहीं था, ना वीडियो बन पाती थी हम लोगों से, आवाज़ ही आती थी महसूस होती थी हमें बस खाली। उसके बाद में फिर एक दिन हमने वो जब पूरे दो तीन दिन हमने बिगाड़े, उसके बाद में हमने देखा तो वो कौवा निकला जो जो कांवा करता है वो हमारी बेटी का नाम लेता था, और लेने के बाद में फिर वो जैसे हम वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश करते तुरंत उड़ जाता। अच्छा, कितने समय से ये चल रहा है? करीब करीब इसे 9 मंथली से ज़्यादा हो गए टाइम जो है, 9 महीने से कंटिन्यूस वो आना डेली सा, और कभी कभी तो भी गायब हो जाना 15-20 दिन के लिए। अच्छा, गायब भी हो जाता? हाँ, 15-20 दिन के लिए गायब भी हो जाना, फिर आना तो फिर कंटिन्यूस 2-4 दिन के लिए लगातार आना। जब कोई फेस्टिवल या कोई त्यौहार होता है उस दिन उसे डेली उसे आना है ही। मतलब कोई त्यौहार हो तो वो आता ही है? हाँ, जब कोई फेस्टिवल है या कुछ है, जैसे नागपंचमी आई, हमने कहा कि अब तो आया नहीं एक महीने करीब 15-20 दिन से, तो नागपंचमी थी उस दिन के लाना शुरू कर दिया उसने। अच्छा, यही चिल्लाता है एवा एवा? एवा ही कहता है। अच्छा, ये जो एवा नाम है हमने भी बहुत कम सुना है, जिस प्रकार से आपने ये नाम रखा है, इस नाम के रखने के पीछे क्या कारण? उसका रीजन कुछ नहीं, हमारे पास 10 साल शादी हो गए, 10 साल बाद हमारे पास कोई बच्चा नहीं था, हमारे पास एक बेटी ये एवा जो है वही पैदा हुई। उसके बाद में हम ऐसी नेट पे सर्च कर रहे थे, एवा जो नाम देखा हमने, उसके बाद में उसमें उसका जो मतलब था वो जिंदगी था। तो जिंदगी तो हमारी जब लाइफ में जब इलाज करा के सब चीज़ हार गए, उसे ईश्वर ने जब हमें दिया तो हमारे लिए हमारी जिंदगी है, तो इसलिए हमने उसका नाम जो एवा कन्वर्ट किया मैंने। उसके पीछे रिश्तेदार वगैरह ने सबने नाम बदलने के लिए बोला, मैंने कहा मैं नाम नहीं बदला उसका, लिए एवा था एवा ही रखा। अच्छा, कितने वर्षों से, लगभग कितना समय हो गया इस कौवे को ऐसे चिल्लाते? करीब 9-10 महीने का तो समथिंग टाइमिंग होगी जो इसके। अच्छा, जब शुरुआत में ये चिल्लाता तो आप गौर करते थे इस बात पर? नहीं, एक दो दिन तो हमने गौर नहीं किया, पहले सबसे पहले वाइफ ने सुना, आवाज को सुना कोई चिल्ला रहा, तो उसने सोचा हो सकता है बहम हो मेरा, तो उसके बाद मम्मी पापा ने सुना, उसके बाद फिर मम्मी पापा ने सुना, फिर 2-4 बाहर के लोगों ने सुना, तो उसके बाद फिर मम्मी वगैरह ने बोली कि कोई आवाज़ देता, तो हम लोगों ने इस चीज़ को लेकर फिर हमने रिश्तेदार वगैरह हम सबने फ़ोन किया, मैंने कोई बेटी को नाम किल्लाता, बोले कि देखो कौन है कौन नहीं है, तो हमें 10-15 दिन तक वो दिखाई नहीं दिया। उसके 15-20 दिन बाद हमें महसूस हुआ कि हाँ कौवा है, उसके बाद में जैसे वीडियो वगैरह बनाने के लिए चले तो तुरंत वो भाग जाता, ऐसा ही आज हुआ। जैसे जब वो चिल्लाता है आप वीडियो वगैरह बनाते हैं, तब कौवा क्या करता है? कौवा कुछ नहीं, कौवा अगर वो वीडियो अगर बनाने के लिए हम गए, जैसे मोबाइल को हम लोगों को किया, हमारे पास इतने बड़े फेसबुक मोबाइल तो है नहीं जिससे हम कन्वर्ट कर सके, छोटा मोबाइल, जैसे मोबाइल उसकी तरफ करा तुरंत वो उड़ जाता है। फिर तो देखिए बच्ची की माता भी हमारे साथ हैं। अच्छा, जब जैसा कि इन्होंने बताया कि आपने इस बात पर गौर किया कि आपकी बच्ची को कोई पुकार रहा है, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही थी उस समय? मैं काफी डर गई थी कि पता नहीं क्या बात है, कौन बोल रहा है। सबसे पहले मैंने इसको मतलब अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी, और मम्मी रोटी बना रही थी चूल्हे पे, तो काफ़ी आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा पता नहीं हो सकता मुझे ही ऐसा लग रहा है, वरना मम्मी भी सुनती इस बात को। 1-1.5 घंटे तक एवा एवा नाम समथिंग चलता रहा है, लेकिन मैंने इतना गौर नहीं किया, मुझे लगा हो सकता मुझे ही ऐसा लग रहा हो, बच्चे खेल रहे होंगे या कुछ, अब मुझे कान बज रहे हैं क्या है। लेकिन जब उसके बाद दूसरे दिन फिर मम्मी ने सुना, फिर पापा ने सुना, फिर बाहर से बच्चों ने कहा कि बोले को ये एवा चिल्लाता है, जब गौर किया तो किसी ने रिश्तेदारों ने कहा तोता बोल रहा होगा, कंठ फूटता है, तो बोले, मैंने कहा देखते हैं, जब हस्बैंड ने देखा तो वो कौवा निकला, किसी ने अच्छा कहा किसी ने बुरा कहा। लगभग 1 महीने बाद हमें शांति मिली कि हमारा बच्चा ठीक है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अच्छा, एक सवाल और, जैसे जब वो घर पर आकर ही बोलता है या फिर कहीं भी बोलने लग जाता है? ज्यादातर बाहर पेड़ पर बोलता है और घर पर ही आकर बोलता है। अच्छा, वैसे जो कांव-कांव करता है वो भी करता है या केवल एवा ही एवा? एक बार कांव बोलता है, बाद में फिर एवा एवा ही चिल्लाता है। अच्छा, मतलब कांव-कांव करता है, ऐसा कुछ हाँ। नहीं है जैसे कि कभी कभी उसका गला खराब हो गया हो तो वो कांव की जगह एवा निकल जाता ना, है, ना, ऐसा ना। कुछ नहीं है, एवा एवा ही चिल्लाता है और कांव भी बोलता है। हमने जब शुरुआत में आपको पता चला होगा कि ऐसे कोई आवाज दे रहा है, एक अजीब सी आवाज, हमने भी वीडियो देखी है, तो आपको भी डर सा लगने लग गया होगा उस समय? काफी डर गए, और काफी समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि वही हमारी जो जिंदगी हमने नाम रखा है भाई, हमसे कोई छीन कर ले जा रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, पल भर में क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन समय रहते सभी ने अच्छा कहने लगे, तो अब हमें थोड़ी तसल्ली है। अच्छा, अब कैसा, मतलब अब कैसे आप सोचती हैं इन चीजों को, कैसे देख? अब तो हैबिट्स आदत सी पड़ गई है, और मतलब उसके बोली में भी मिठास लगती है कि हाँ हो सकता है कोई पिछले जन्म की कहानी हो, इस वजह से वो
बोल रहा है आकर। और बच्ची भी हमारी अब तो, पहले तो रोती थी मतलब बच्चा थी, अब तो आके नाचती है तो हमें अच्छा लगता है कि चलिए कोई हो सकता। अच्छा, जैसे वो चिल्लाता है तो आपकी जो बच्ची है एवा वो नाचने लगती है। हाँ, वो आवाज सुनकर और नाचती भी है, खुश हो जाती है। हाँ, कोई मुझे बुला रहा है बाहर से, और देखती भी जा करके। अभी आप कह दीजिए कौआ आपको देखो बुला रहा है, तो तुरंत देखने लग जाएगी कहाँ है, वो तुरंत भागती है देखने। अच्छा, तो देखिए इस बच्ची की अम्मा जी भी हैं, और इनसे भी जानेंगे कि अम्मा को कैसे पता चला। इनसे भी जुड़ी एक कहानी बताई है, क्योंकि केवल घर से ही नहीं, ये भी बाहर ले गई थी एक बार। अच्छा अम्मा, आप जैसे बता रहे हैं कि कौआ, आपको कैसे पता चला कि कौआ है? कौआ हमें यही पता चली, हमें तो बाद में पता पड़ी भाई, कौआ है कौआ है। हमें देखो मको बाबा किल्ला रहो, तो बालक बोले कि कौआ किल्ला, तब हम देखे सुते तो कौआ किल्ला रहो। हम जब जंगल को ले गए तो जंगल में जाके किल्ला करो कौआ। अच्छा, जैसे आप जंगल ले गई थी तो इस बच्ची के पीछे पीछे ही आ गया था कौआ? मैं पेड़ पेड़ हुआ हमारे नींब को, हाँ हाँ, टू वाला पे, तो हम ही बैठे। अच्छा, तो वही जाके किल्ला लगाओ। अच्छा, उसे ये आवाज हो गया कि इसे घर से उधर ले गए। हाँ हाँ। अच्छा, और भी कोई आवाज निकालता है या ये वही करते? जब जैसे इसकी मम्मी भी बता रही है कि जब एवा नाम ये बुलाता है तो ये नाचने लगती है, ऐसा भी होता है? हाँ, होते हैं। तो क्या लगता है आपको? अब क्या लगता है, हमने बहुत दिन देखा ही, तुम जो कह रही हमते क्या, वो जो कोई पहले जन्म की का कहता है ना कि वो है कौआ के। बहुत से लोग तो ये कहते होंगे जादू टोना होगा या किसी ने कुछ कर दिया होगा, ये भी बातें आती होंगी। तो आपने किस पर छोड़ रखी है ये सारी बातें? अब हम तो भगवान के ऊपर छोड़ रखे भाई, अब क्या करें। अब तो हमने नहीं ऊपर छोड़ रखे, मैंने क्या जो बोल रहा है जो बोल रहा है बोल लेते भाई, अब क्या करें। तो देखिए ये पूरी कहानी है, एक कौवा किस प्रकार से एक 2 वर्ष की बच्ची का नाम लेता है। कहीं ना कहीं बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है, सुनने में भी देखने में भी। और हम भी इस चीज़ की पड़ताल करने के लिए इस गांव में आए, इनके माताजी से मिले, इनकी माताजी से मिले, पिताजी से मिले, और साथ में अम्मा से। और हमने, हमें भी लगता है क्योंकि हमने भी वीडियोज़ देखी हैं, उसमें जब कौवा चोंच जो खोलता है अपनी, तो एवा एवा करके ही उसमें लगता है। हम पूरी तरीके से उसको दिखाएंगे, और कहीं ना कहीं ये प्रकृति की ही माया है, या फिर कह सकते हैं कि पुनर्जन्म का कुछ भी हो सकता है। प्रकृति है, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, शामिल रहती हैं। और सभी जो माता पिता हैं, इन्होंने भी ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है, प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया है कि अब जो भी करेगा ऊपर वाला ही करेगा, जो चौड़ेरा वाली माता हैं वही करेंगी। तो इसी प्रकार की जांच पड़ताल और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल देखते रहिएगा। मैं राहुल लोधी, कैमरामैन सूरज के साथ, एक संदेश। ये बहनों ये कौआ है। हाँ जी, गौरव 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 ये कौआ खिल्ला रहा है, ये कौआ खिल्ला रहा है, कौआ खिल्ला रहा है। ये का कह रहा है? ये बेटी का नाम एवा है ना, तो एवा किल्ला तो है। सुनिए देख।
ईवन आवे तो ये भी किल्ला तू दे पता ना कौ आए।